अलीराजपुर के नानपुर गांव के ग्रामीणों से फाइनेंशियल की आड़ में धांधली का मामला सामने आया है, जहां वाहन फाइनेंशियल को लेकर हो रही धांधली में ग्रामीणों से तय ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूलने का मामले में अलीराजपुर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई का मंजर सामने आया। देखिए खास रिपोर्ट। टीवीएस कंपनी के वाहन पर फाइनेंस की प्रक्रिया के तहत फाइल चार्ज और ब्याज के नाम पर ग्रामीणों से ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूले जा रहे थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद मामले को लेकर तहसीलदार हर्षल बहरानी ने भी संज्ञान लेते हुए नानपुर गांव में स्थित टीवीएस शोरूम पर कार्रवाई की, जहां मौके पर जांच के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर टीवीएस शोरूम सील किया गया। आगामी कार्रवाई तक शोरूम सील होने की बात तहसीलदार ने कही है। शोरूम पे आए थे, क्या मामला है? देखिए, ये अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिले में नानपुर बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ पर संचालित श्री विठल नाम का, हरि विठल के नाम का ये टीवीएस शोरूम है। तो इसकी बार बार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये एक तो अवैध रूप से संचालित हो रहा है, दूसरा ये कि इन लोगों ने जो गाड़ियाँ फाइनेंस की, यहाँ पर ज़्यादातर कामगिरी लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, कुछ एक नौकरी वाले भी रहते हैं। तो जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ फाइनेंस कराई। किसी ने 50,000 डाउन पेमेंट दिया, किसी ने 70,000 दिया। 1,17,000 की गाड़ी पे डाउन पेमेंट 50,000 देने के बाद भी 1,70,000 रुपये पैसे भरवा रहे ब्याज से। तो हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा ब्याज लगाया जा रहा है जो डाउन पेमेंट जमा होने के पश्चात भी उसको काउंट नहीं करके अलग से 0% फाइनेंस करके पूरी गाड़ी का पैसा लिया जा रहा है, और एक एक जो विक्रेता है उसके ऊपर कम से कम 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये मार्जिन निकाला जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है और गलत भी है। इससे आदिवासी समाज में रोष था। आज हमको शिकायत प्राप्त हुई तो जितने भी पीड़ित लोग थे आसपास के, हमारा फाटा गांव के 4 लोग थे, ऐसे दूसरे गांव के भी आए, मोरासा नानपुर के हैं, सेजगांव के, बीती के, सभी लोग आए। और सब लोगों ने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को अवगत कराया। तहसीलदार साहब हमारे बीच मौजूद है, उन्होंने जांच पड़ताल की तो पाया गया कि ये जो टीवीएस शोरूम है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये ढही के नाम पर संचालित अलीराजपुर जिले में हो रहा है, वो धार जिला और ये अलीराजपुर जिला। और अलीराजपुर जिले में भी इनके पास ना बिल बुक है, ना जीएसटी नंबर है, ना टिन नंबर है, ना रसीदें। यहाँ की रसीदें जो दी जा रही वो भी ढही के नाम पर दी जा रही। तो ये सरासर बिल्कुल अवैध तरीके से संचालित होने वाला एक शोरूम था, जिसमें आदिवासियों का शोषण हो रहा था, जमकर शोषण हो रहा था। और उसके खिलाफ हमारी आज एक बुलंद आवाज थी और तहसीलदार साहब के माध्यम से ही अभी सील करवाया जा रहा है। क्या मामला है? शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नानपुर में शोरूम है ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है और अधिक ब्याज दिया जा रहा है। शिकायत उपरांत हम लोग यहाँ आए, आरआई साहब, पटवारी और हम लोग, तो यहाँ पे आकर दस्तावेजों की जांच की गई और जो दस्तावेज थे हमें संतुष्ट नहीं हुए, और जो शोरूम संचालित है उसके संबंध में इन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। तो आगामी कार्रवाई तक जो आरटीओ द्वारा की जाएगी तब तक ये शोरूम सील किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अलीराजपुर के नानपुर गांव के ग्रामीणों से फाइनेंशियल की आड़ में धांधली का मामला सामने आया है, जहां वाहन फाइनेंशियल को लेकर हो रही धांधली में ग्रामीणों से तय ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूलने के मामले में अलीराजपुर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई का मंजर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अलीराजपुर।